हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टैग टेक ऑटो ज्ञान में आपका स्वागत है। और दोस्तों, BS6 कब लॉन्च होता है, इसका जो अनाउंसमेंट हुआ था, जो प्रीवियस वो 2020 का था, लेकिन अभी तक कुछ भी आइडिया नहीं है कि BS6 लॉन्च कब होगा, कब इंडिया में आएगा। लेकिन मारुति ने अपना फर्स्ट स्टेप जो है वो दिखा दिया है बोलेनो के रीलॉन्च के साथ। रीलॉन्च कुछ इस तरह है कि मारुति ने अपना जो बलेनो में इंजन 1.2 लीटर इंजन आ रहा है उसे BS6 कंप्लायंट कर दिया है। ऑलरेडी जो इंजन आ रहा था बलेनो में 1.2 लीटर K12 B सीरीज का जो इंजन था उसे उन्होंने अपडेट कर दिया है, BS6 कंप्लायंट कर दिया है। अब होगा क्या कि जो बलेनो ऑलरेडी आ रही है वो प्रीवियस बलेनो से 11,000 से लेकर 19,000 तक की प्राइस बढ़ जाएगी, डिफरेंट वेरिएंट्स पे डिपेंड करता है। और ये कारें जो BS6 कंप्लायंट होंगी वो 25% लेस एमिशन कॉज करेंगी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। तो ये एमिशंस अब कम हो जाएंगी और मारुति ने अपना पहला स्टेप दिखा दिया है, जिसके लिए मारुति को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने एनवायरनमेंट के चलते और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उससे पहले ही ये स्टेप अपना दिखा दिया है। अब दूसरी न्यूज़ यहाँ पे ये है कि मारुति अपनी बलेनो को दूसरा इंजन ऑप्शन भी दे रही है, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन ही आ रहा है, ये K12C सीरीज का इंजन है। और इसमें मारुति अपनी SHVS टेक्नोलॉजी, जिसे मारुति माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी कहती है, वो लॉन्च कर रही है। और ये कारें जो BS6 कंप्लायंट होंगी और इसमें केवल दो ही वेरिएंट आएंगे, इसमें डेल्टा और जीटा वेरिएंट्स आएंगे। और ये दोनों वेरिएंट्स नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट से 89,000 से लेकर 1,00,000 तक ज़्यादा कॉस्टली होंगे। और इसके साथ दूसरी बात ये है कि ये इंजन्स डुअल VVT के साथ आएंगे और ये दोनों ही डुअल जेट इंजन्स हैं, मतलब पर सिलेंडर में दो दो जेट्स जो हैं, फ्यूल इंजेक्शन जेट्स होते हैं, वो डबल हैं। उसके बारे में हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन ये मारुति का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि मारुति ने अपनी बलेनो BS6 कंप्लायंट कर दी है और उसके साथ एक इंजन ऑप्शन और दे दिया है। और इसके साथ हो सकता है कि आने वाले साल तक जैसे ही BS6 अप्लाई होता है तो डीजल ऑप्शन, जो 1.3 लीटर ऑलरेडी ऑप्शन आ रहा था, वो पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि BS6 कंप्लायंट के लिए एक नया इंजन चाहिए होगा और वो इंजन कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया महंगा होगा, जो कि हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया हुआ है। तो बात करूं मैं अगर माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ, तो ये जो कारें हैं वो ऑलरेडी जो बलेनो आ रही है उससे 2.5 किलोमीटर पर लीटर माइलेज ज़्यादा प्रोवाइड करेंगी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 1,00,000 रुपये के बजट को बढ़ाकर आप माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट हो जाएं। समझदारी यही होगी कि अगर आप बलेनो के को अपना एक ऑप्शन बना के चल रहे हो तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप BS4 के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो कार एक बार रोड पे आ जाएगी वो तो चलेगी ही चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो कार आसानी से परचेस कर सकते हो। जब BS6 अब आएगा तो तब की तब हम देखेंगे, तब तो BS6 ही लेना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए यही ऑप्शन आपको बेटर रहेंगे। और दोस्तों, आज का ये शॉर्ट सा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन लगी है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।